जब से बाबा जिंदगी में आए ना, जिंदगी बदल गई। जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया। कुछ भी गलत करने लगती तो एक चपेट सी अंदर पड़ती। मैं मानती हूँ कि वो चपेट पापा की है। वो कोई भी गलत काम करने से रोकती। पापा ने बहुत कुछ सिखाया जिंदगी में। बाबा ने ये सिखाया कि जब तुम्हें कोई चोट देता है तो उसके बदले में चोट मत दो। जब तुम किसी की बुरी बात पर कोई प्रतिक्रिया देते हो तो इससे अपनी बहुत सारी ऊर्जा खाली कर देते हो और अच्छी चीजों को करने की ऊर्जा रहती ही नहीं। ये भी कहा बाबा ने कि किसी से कोई उपेक्षा मत रखो। तुम अपना कर्म करती रहो। जब तुम उपेक्षा करनी छोड़ दोगी ना तो सुखी रहोगी। और किसी की परेशान करने वाली बातों पर प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के नियंत्रण में देना और किसी को खुश करने के लिए कठोर प्रयास करना उचित नहीं। इससे ऊर्जा खाली होती है। कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं खुश होने वाला। अपने आप को खुश रखने के लिए अपने अंतर मन को देखो। अपने आप को देखो। आसपास की बातों पर ध्यान मत दो कि क्या घटित हो रहा है। जब आप अपने अंतर मन को देखोगे, छोटी छोटी बातों को, बाहर वाली बातों को इग्नोर करोगे, तभी आपका मन स्वस्थ और खुश रह पाएगा। बाबा ने बहुत कुछ सिखाया। बाबा ने तो जिंदगी बदल दी। एक हिम्मत के रूप में साथ हो लिए। बाबा, मैं आपका शुक्राना कैसे करूं? बाबा, ये जीवन आपका है। आपने नेक रास्ते पर लगाया। बहुत सेवा करवाई। बाबा, मन में से हमेशा एक आवाज आती कि पूजा पाठ करने की बजाय तुम जितनी सेवा कर सकती हो, जितनी मदद कर सकती हो लोगों की, करो। इसी मदद से ही तुम्हारे कर्म कटेंगे। सच में, मदद से, लोगों की मदद से मेरे कर्म कब कट गए पता ही नहीं चला। जिंदगी में इतनी खुशियां आ गई। तो आप भी अगर जिंदगी में परेशान हैं तो बाबा का हाथ पकड़ लें। और बाबा जैसे कहते हैं कि शर्द और सबूरी वो रखो, फिर देखो आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आ जाएगा।